बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू बिकेम अ लेक्चरर थ्रू PPSC। आज की वीडियो में हम कुछ टिप्स देखेंगे कि कौन सी टिप्स हैं जिससे हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चररशिप के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो ये इसके लिए आपको दो फेजेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले इसका ऐड आता है, आप जिस भी सब्जेक्ट में हैं, जैसे आप इंग्लिश में हैं, आप फिजिक्स में हैं, आप केमिस्ट्री में हैं, आप जिस रेलिवेंट सब्जेक्ट में हैं उसके हवाले से सीट्स अनाउंस की जाएंगी। और ये सीट्स अनाउंस करने के बाद आप इसमें इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आप उसका क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ये इसके दो फेजेस हैं, दो स्टेप्स हैं जिनसे आपने गुजरना है। इन दो फेजेस से गुजरे बगैर हम लेक्चररशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। इन दो फेजेस से गुजरने के लिए सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी ग्रिप, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसके बगैर कोई शॉर्ट की नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बगैर मैं वैसे ही क्वालिफाई कर जाऊं, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता कि आप कमांड के बगैर इन दो फेजेस से गुजरें। सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसकी जो भी अवेलेबल बुक्स हैं उसको पढ़िए। मैट्रिक लेवल से लेके ऑनवर्ड्स मास्टर लेवल तक के लिए आपने जितनी भी बुक्स आपकी थी उन तमाम बुक्स को आपने गो थ्रू कर लेना है। अब जैसे मेरी फील्ड फिजिक्स है, तो मैं फिजिक्स के हवाले से आपको कुछ फील्ड्स बता रही हूँ। फिजिक्स की सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारी ब्रांचेस आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेनी है और इन सारी ब्रांचेस पे आपको बहुत अच्छी ग्रिप हो। इसके अलावा मैंने कुछ ब्रांचेस यहाँ डिस्कस नहीं की, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, आपको उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, उसके बगैर भी गुजारा मुमकिन नहीं है। ये ना सिर्फ आपके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में काम आएगा बल्कि इसके अलावा भी आप जो भी आपकी फील्ड्स हैं, अगर आप कहीं और अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपके काम आएगा। तो यहाँ पर अगर आप रिटर्न के लिए, टेस्ट के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे तो वो आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, आप टेस्ट देने जाएंगे, तो वहाँ पे आपने कुछ ये टिप्स हैं जो जहन में रखनी है या आपके लिए काम आ सकती हैं। सबसे पहले आपने कंसंट्रेटेड रहना है, विजिलेंट रहना है। ये ना हो कि आपका रवैया ही केयरलेस है, आप ऐसे चले गए हैं टेस्ट देने के लिए और बस आपके पास मार्कर्स हैं कि आपके जहन में आपका एम्बिशन नहीं है कि आपने बनना है लेक्चरर और आप ऐसे चले गए हैं। आप ऐसे गए हैं तो आप ऐसे ही वापस आ जाएंगे, फिर आपका ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो अगर आप वाकई कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंसंट्रेटेड, फोकस्ड और विजिलेंट होना पड़ता है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे पहली टिप ये है कि आप कंसंट्रेटेड रहें, फोकस्ड रहें, पढ़ के जाएँ, अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप आपको होनी चाहिए। फिर आप जब उस सेंटर में एंटर हो जाएं, आपको आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो आपने उन क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है। केयरफुली पढ़े बगैर ऐसे ना हो कि आप ऐसे ही पढ़ के ऐसे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें चार ऑप्शंस दी जाती हैं ABCD, तो हम ऐसे ही ए फिल कर देते हैं, बी फिल कर देते हैं, अपने जहन में की बना लेते हैं कि शायद ये की से हम पास हो जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप पढ़ें उसको और पढ़ के उसके बाद आप उसको फिल करें। इसके अलावा 100 MCQs हैं। 100 MCQs ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई कैंडिडेट जाए और 100 के 100 MCQs उसके ठीक हो। लाजमन कहीं एक आध MCQ ऐसा होता है जो आपको कंफ्यूज कर देता है, जो टफ होता है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा होता। तो अगर कोई ऐसा MCQ आप देखते हैं जो अमूमन स्टार्ट में ही आता है, यानी 1, 2, 3 की रैंकिंग में ही वो रखते हैं ऐसे MCQ, ताकि आप कन्फ्यूज हो जाएँ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। और अगर कोई ऐसा MCQ आप देखते हैं तो इट्स बेटर टू स्किप, यानी आप उसको छोड़ दें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। एक तो आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपके जहन में रह जाएगा और आगे के MCQs भी आप उस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप उसको स्किप कर दें, आराम से स्किप करके उसको अगले MCQs पढ़ें। हो सकता है कि आगे वाले MCQs आपको आते हों और उससे आपको कॉन्फिडेंस आए, और फिर आप वापस जब उस MCQ पे जाएंगे तो आपका टाइम भी बच चुका होगा और आप उसको समझ के पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए दोबारा पढ़ के भी, तो आप उसको छोड़ दें, यानी उसको अटैम्प्ट ही ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप उसको अटैम्प्ट करेंगे तो अटैम्प्ट करने से आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, आपको मार्क्स मिलने के बजाय। थर्ड टिप ये है कि आप एक्सक्लूड करने की कोशिश करें।
यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के नीचे चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में से लाजमी तौर पे एक ऑप्शन ठीक है। उस एक ऑप्शन तक आपने कैसे पहुंचना है कि आप चार ऑप्शंस में से जो उसका आंसर आपको लग रहा है कि नहीं है, यानी डी ऑप्शन नहीं है, उसको निकाल दें। फिर आप तीन जो रह गई हैं उस पर फोकस करें, आपको लगता है बी भी ऑप्शन नहीं है, तो अब सिर्फ ए और सी, इन दोनों में आपने फैसला करना है। तो वो फैसला करना आपके लिए आसान होगा बनिस्बत कि अगर आप चारों के चारों ऑप्शंस को लेके बैठे हैं और उसमें आप सोच रहे हैं, तो एक्सक्लूड करने की कोशिश करें। और ये एमसीक्यूज की टिप ना सिर्फ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, बल्कि जहाँ कहीं भी आप टेस्ट देने जाते हैं और एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, तो वहाँ पर आपने एक्सक्लूड करने की कोशिश करनी है कि आपका टाइम बच जाए। ये एक्सक्लूड करने से फ़ायदा ये होता है कि आप सीधे आंसर तक पहुँच जाते हैं और टाइम बच जाता है। और टाइम बचाना ही बेसिकली एक स्मार्ट एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक होती है कि आपने स्मार्टली पेपर को अटेंड करना है। इसके अलावा मिनिमम टाइम में कोशिश करें कि आप स्टेटमेंट को पढ़ लें, यानी आपका फोकस होगा तो आप जल्दी जल्दी उस स्टेटमेंट को समझ भी लेंगे और पढ़ के उसके आंसर तक पहुँच जाएंगे। ये क्यों है? क्योंकि अगर आप कम से कम टाइम में एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो वो टाइम आपके आगे काम आएगा। कम से कम टाइम जो आपने एक एमसीक्यू को देना है वो एक मिनट का है। अगर आपको लगता है कि मैं एक मिनट से पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, यानी 60 सेकंड्स हैं, आप 60 सेकंड से पहले 50 में 40 में सॉल्व कर रहे हैं, स्मार्टली आप कर सकते हैं, तो कीजिए इसको ताकि आप वो टाइम जो बच गया है वो आपके आगे काम आए। इसके अलावा सबसे अहम टिप वो ये है कि आप सर्कल्स को प्रॉपरली फिल करें, सीखें, आप इसकी बाकायदा प्रैक्टिस कीजिए कि आपने सर्कल को कैसे फिल करना है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सर्कल्स को फिल करके आते हैं इनप्रॉपरली, और वो आके ये समझ रहे होते हैं कि हमने टेस्ट बहुत अच्छा किया, लेकिन वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है कि आपने सर्कल्स को कम्प्लीटली फिल नहीं किया होता, और सर्कल को अगर आप कम्प्लीटली फिल नहीं कर रहे तो वो रॉन्ग कंसीडर होगा, राइट कंसीडर नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज डू नॉट फिल मोर देन वन ऑप्शन। चार ऑप्शंस हैं, चार में से आपने एक ऑप्शन को ही फिल करना है। ऐसा नहीं करना कि दो ऑप्शंस आप इकट्ठे फिल करके आ गए हैं, ए और बी या ए और सी। सिर्फ दो ऑप्शंस हैं जो आपने फिल कर, एक ऑप्शन है आपने फिल करनी है, दो ऑप्शंस आपने इकट्ठी फिल नहीं करनी। इसके अलावा ये है कि आप जिस क्वेश्चन नंबर पे हैं उस क्वेश्चन नंबर को टैली कीजिए साथ साथ आंसर बुक के। ये ना हो कि आप 6th MCQ को सॉल्व कर रहे हैं, 6th MCQ पे आप हैं और वहाँ से आप जो सर्कल फिल करते आ रहे हैं वो आप 7th पे हैं। तो इस तरह की गलती, ये एक छोटा सा एरर है, और इस एरर की वजह से हो सकता है कि आपको 6th MCQ आता था और आपने क्योंकि सर्कल फिल कर दिया है 7th का तो वो गलत हो गया। ये एक छोटा सा एरर है और इस छोटे से एरर की वजह से ये एरर आगे चलेगा, प्रोसीड करेगा, और अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो तवज्जो ना देने की वजह से ये होगा कि वो सारे आंसर्स जो अगले आप लगा रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, सारे आंसर्स रॉन्ग कंसीडर होंगे। इसके अलावा अगर कभी ऐसा हो भी जाए, फर्ज करें कि आप 6th MCQ सॉल्व कर रहे थे, गलती से आपने 7th को फिल कर दिया, तो फिल करने के बाद अगर आप ये गलती हो भी गई तो उसको छोड़ दें, उससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। एक MCQ अगर आपका गलत हो जाएगा तो आपके पास 99 MCQs पड़े हुए हैं जो आपको भी जिता सकते हैं, इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सोचिए और ये सोच के आप उसको छोड़ दें, बस हो गया सो हो गया, अब आपने कॉन्फिडेंट रहना है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा वन बाय वन बार बार चेक कीजिए कि आप किस क्वेश्चन पे हैं, किस आंसर पे हैं। 1 to 100 आपने प्रॉपरली फिल करने हैं, और फिल करने के बाद कोशिश करें कि आप इसको बिफोर टाइम कर लें। बिफोर टाइम करने के बाद आप एक दफ़ा उस पेपर को देखें कि आपने सही तरह फिल किए हैं सर्कल्स की नहीं किए, और उसके बाद वो शीट्स इन्विजिलेटर को सबमिट करवाएं। एंड द लास्ट वन इज वर्क क्वाइट रैपिडली। जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करें, फोकस्ड रहें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भूल जाएं कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, बस जल्दी जल्दी उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, कोशिश करें कि आसान वाले क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी फिल करते जाएं, और टफ क्वेश्चंस को जो आपको लगे टफ है उसको आप छोड़ दें। जो जल्दी क्वेश्चंस आप कर लेंगे उससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको आ रहा है पेपर, तो उस कॉन्फिडेंस से आप वापस जब टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आसान हो जाएगा कि आप टफ क्वेश्चन को भी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बनिस्बत कि आप टफ क्वेश्चन को लेके बैठे रहें और 3-4 मिनट लगाएं उसके बावजूद आपको उसका आंसर ना आए, तो वो टाइम आपका ज़ाया हो जाएगा
और आप जो आसान क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे अहम ये बात है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है, और इसके अलावा अगर कोई बहुत टफ क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये एमसीक्यू मुझसे सॉल्व नहीं होगा, तो ये बेहतर होगा कि आप उसको स्किप करके आएँ, यानी आप उसके ऑप्शंस को फिल ही ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का इशू है। अगर आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे तो नेगेटिव मार्किंग में फ़र्ज़ करें कि आपने 50 एमसीक्यू ठीक सॉल्व किए हैं और 50 आप ऐसे ही तुक्के लगा के आए हैं, तो वो 50 जो आपने ऐसे ही सॉल्व कर लिए थे उन 50 के नंबर भी ले जाएंगे जो आपने ठीक सॉल्व किए थे। यहाँ पब्लिक सर्विस के टेस्ट को फाइनलाइज करने के लिए, पास करने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए, आधे नंबर चाहिए, तो आधे नंबर आप ले सकते हैं अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करें। और क्योंकि फिज़िक्स मेरी फील्ड है तो मैं फिज़िक्स के लिए आपको कुछ बुक्स भी रिकमेंड करूँगी। उन बुक्स के लिए सबसे पहले ये है कि आप यूनिवर्सिटी फिज़िक्स बाय हक डी यंग एंड रॉजर ए फ्रिडमैन, बहुत अच्छी बुक है, मेरे पास इसका 12th एडिशन है और बहुत अच्छा है। इसमें ये सारी फील्ड्स जो मैंने डिस्कस की फिज़िक्स की वो सारी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा हेली टेरेसनिक क्रेन, ये बुक बहुत अच्छी है, ये इसके राइटर्स हैं, और हेली टेरेसनिक क्रेन की मॉडर्न फिज़िक्स है। इसके दो वॉल्यूम्स हैं, दोनों वॉल्यूम्स इसके बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। अगर आप ये दो बुक्स भी पढ़ लेते हैं तो आपकी आधी तैयारी तो इसमें से ही हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने बीएस के अपने मास्टर लेवल की बुक्स को रिव्यू कीजिए, नोट्स हैं उसको पढ़िए, एफएससी लेवल को देखिए, बीएससी लेवल को देखिए, तभी जाके आप इसकी रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर सकेंगे। और एक दफ़ा अगर आप इसका रिटन टेस्ट अच्छे तरीके से पढ़ के देते हैं तो वही नॉलेज आगे इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन लगती है कि इसमें आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है, तो यू मे आस्क, डेफिनेटली यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन।